सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामप्रसाद और आज बात करने वाला हूं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह देश बहुत ठंडा रहता है और बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियरों से भरा पड़ा है। आइए जानते हैं आज नॉर्वे के बारे में। सबसे पहले नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है। राजधानी ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर वेस्टवा जेल है। यहाँ रहने वाले अपराधियों पर मर्डर, रेप और स्मगलिंग के मुकदमे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के अपराधियों के लिए एक द्वीप पर एक दिन एक छुट्टी मनाने की जगह है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट मिलती है जो वह करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है कि अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। दूसरी खास बात, इस देश के नागरिक दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और वे हर साल औसतन 500 क्रोनर 5,000 रुपये किताबों पर खर्च करते हैं। तीसरी खास बात क्या है नॉर्वे की, अगर आप नॉर्वे में कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो सरकार उसकी 1,000 कॉपीज खरीद लेती है ताकि उसे देश भर की लाइब्रेरी में रखा जा सके। यहाँ हर साल 2,000 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित होती हैं। चौथी बात, इस देश में 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई विज्ञापन बनाना गैरकानूनी है। पाँचवें नंबर पर, नॉर्वे में पुरुषों के लिए दो नाम बहुत पॉपुलर हैं, ऑड और इवन। छठवें नंबर पर, नॉर्वे में एक टाउन है जिसका नाम हेल यानी नरक है। सातवीं बात, नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1854 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। देश के संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है जिसके सदस्य हर 4 साल बाद चुने जाते हैं। आठवीं खास बात नॉर्वे की, नॉर्वे में 872 ईस्वी में ही राजवंश की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के वर्तमान राजा हेराल्ड 5वें हैं जो 1991 में अपने पिता ओलाफ 5वें की मृत्यु के बाद इस पद पर आसीन हैं। नौवें नंबर पर, किंग हेराल्ड के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात है कि ये तय किया है कि वह कभी शादी नहीं करेंगे। अगर उनकी शादी उससे नहीं हुई जिससे वो प्यार करते हैं तो वो एक कपड़े के व्यापारी की बेटी से प्यार करते थे। नॉर्वे सरकार की मदद से उनकी शादी उस लड़की से हो पाई। वो लड़की सोंजा हेराल्डसन है जो अब नॉर्वे की रानी है। दसवें नंबर पर क्या खास बात है नॉर्वे की, नॉर्वे के स्वर्गीय राजा ओलाफ पाँचवें 1903 से 1991 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे और टिकट के पैसे भी खुद देते थे। ओलाफ पाँचवें एक सक्रिय नाविक हैं और उन्होंने 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। ग्यारहवें नंबर पर क्या खास बात है नॉर्वे की, नॉर्वे को यहाँ के लोग नॉर्डवेंग भी कहते हैं जिसका अर्थ नॉर्थन वे यानी उत्तरी रास्ता है। बारहवें नंबर पर, स्वीडन और नॉर्वे 1854 से 1905 तक एक ही देश थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया था। तेरहवें नंबर पर, 2013 में वैश्विक शांति सूचकांक में नॉर्वे दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में एक था जिसकी रैंकिंग 162 देशों में से 11वें नंबर पर थी। इसके बाद 14वें नंबर पर बात करते हैं, 2017 में नॉर्वे पहला ऐसा देश बना जिसने FM रेडियो की पूरी तरह से बंद कर दिया। 15वें नंबर पर, साल 2008 में नॉर्वे एक पेगुइन की नाइट की उपाधि दी गई। इस पेगुइन का नाम नील्स ओलाफ था और उसे यह उपाधि सेना में काम करने के लिए दी गई। 16वें नंबर पर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में सिर्फ 10 पुलिस वालों की हत्या हुई है। 17वें नंबर पर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी उसमें नॉर्वे की मुख्य भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे के टिग्वी लाई थे। 18वें नंबर पर, नॉर्वे में आप अपने कुत्ते को बांधकर नहीं रख सकते। ऐसा करना यहाँ गैरकानूनी है, केवल जरूरी परिस्थितियों में आप कुत्ते को बांध सकते हैं। 19वें नंबर पर, साल 2011 में नॉर्वे में मक्खन यानी बटर की बहुत कमी हो गई थी। यहाँ पर 250 ग्राम मक्खन की कीमत $50 तक पहुँच गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मक्खन की कीमत नॉर्वे में 2011 में क्या हो गई होगी। 20वें नंबर पर, 1999 में नॉर्वे में सुप्रीम कोर्ट
ने अमेरिका के एक ड्रग स्मगलर को शरण देने का फैसला किया, क्योंकि उसके अनुसार अमेरिका के जेल मानवों के मतलब इंसानों के रहने लायक नहीं है। 21वें नंबर पर नॉर्वे जलवायु परिवर्तन में सबसे कम प्रभावित देश है। 22वें नंबर पर नॉर्वे की तटरेखा लगभग 1,138 किलोमीटर लंबी है, जो कि पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे के पास 50,000 से ज़्यादा द्वीप हैं और इसके मुख्य भाग का तट काफ़ी कटा फटा हुआ है। 23वें नंबर पर इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि उसे हर कोई देख सके। नॉर्वे की 24वें नंबर खास बात है, नॉर्वे में अगर आप कोई कत्ल कर दें तो आपको शायद फांसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी सज़ा बस 21 साल की कैद है। यहाँ पर सारी उम्र कैद रहने की सज़ा को 1971 में ख़त्म कर दिया गया था। 25वें नंबर पर अगर नॉर्वे में आप अपने घर में टीवी रखते हैं तो आपको उसका सालाना लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो कि लगभग 24,000 रुपये है। ये आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, इंडिया में ऐसा नहीं होता है और ना ही कई देशों में होता है, लेकिन नॉर्वे में अगर आप टीवी घर में रखते हैं तो आपको उसका लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 24,000 रुपये है एक साल का। 26वें नंबर पर नॉर्वे डे एंड नाइट। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में 1 मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता। ये बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों कि 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पर उग जाता है। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद हेमफेस्ट शहर में होती है। दोस्तों ये थी नॉर्वे की खास बातें, आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।